आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें एक प्रश्न दिया हुआ है। देखिए प्रश्न हमारा इस प्रकार से है, ब्रह्मांड का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत करते हैं। तो आइए गाइस हम देख लेते हैं कि ब्रह्मांड, जिसे हम यूनिवर्स भी कहते हैं और कॉस्मोस भी कहते हैं, कि जो अध्ययन है इसका हम किस शाखा के अंतर्गत करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि ब्रह्मांड होता क्या है। ब्रह्मांड हमारा एक बहुत ही विस्तृत, क्या है, विस्तृत एवं जटिल शब्द है। क्या है? एवं जटिल शब्द है। ब्रह्मांड की अगर हम बात करें, शब्द है, अगर हम ब्रह्मांड की बात करें तो गाइस इसकी था है, या हम ये कहें कि इसकी कोई सीमा नहीं है, यह असीमित होता है। कैसा होता है गाइस? असीमित होता है। अब हम देख लेते हैं गाइस, ब्रह्मांड के अंदर ही हमारा क्या पाया जाता है। ब्रह्मांड के अंदर कई ग्रह पाए जाते हैं, जो कि क्या है हमारे, जैसे कि हम पृथ्वी पर रहते हैं तो पृथ्वी भी हमारी कहाँ रहती है, ब्रह्मांड में निहित है। या हम क्या कहें कि जो पृथ्वी है वो हमारे ब्रह्मांड का ही एक क्या है, अंग है, ब्रह्मांड का अंग है। तो अब हम देख लेते हैं गाइस कि इसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं। अब देख लेते हैं यहाँ पर ब्रह्मांड, देखिए ब्रह्मांड के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, ब्रह्मांड विज्ञान कहते हैं। इसका अध्ययन क्या कहलाता है, अध्ययन हमारा कहलाता है ब्रह्मांड विज्ञान। इसका जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है, ब्रह्मांड, या इसी को हम बोलते हैं गाइस क्या, कॉस्मोलॉजी। क्या बोलते हैं गाइस? कॉस्मोलॉजी, लॉजी। तो गाइस ये था हमारा आज का प्रश्न, जिसमें हमने आपको बताया कि ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है, ब्रह्मांड विज्ञान कहलाता है, या जिसे हम क्या कहते हैं, कॉस्मोलॉजी कहते हैं। और ब्रह्मांड को हम और किन नामों से जान सकते हैं, यूनिवर्स या कॉस्मोस भी कहते हैं। आई होप ये प्रश्न आपको समझ आया होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।